तो ये है चक्रव्यूह, मैं आपको बताना चाहूँगा। दिस इज प्रथम द्वार ऑफ जयद्रथ। नाउ वी आर एंटर दिस फर्स्ट, तो ये हेलो ये पूरा एक जिला सात घेरे होते हैं, और इस घेरे में हर एक महारथी खड़ा रहेगा, तो उसका द्वार होता है पहला द्वार। तो ऐसे ही पर एक जो द्रोणाचार्य ने बनाया था उसका निर्माण वो कुछ दिखाया गया है इसमें। दिस इज सेकंड, यहाँ पर द्वार आ जाएगा, ये सेकंड द्वार है यहाँ पर। हेलो 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 हेलो, गुरु द्रोणाचार्य रहेंगे और यहाँ से हेलो, फिर एक और राउंड हेलो हेलो हेलो, ये राउंड द्रोणाचार्य जी करेंगे जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी अभिमन्यु के लिए, क्योंकि अभिमन्यु तो चक्रव्यूह तोड़ना जानता है लेकिन वहाँ से बाहर निकलना नहीं जानता है, इसलिए चक्रव्यूह में वो इतना अच्छा पराक्रमी भी रहता है कि वो मार तो देता है सब, लेकिन लास्ट अंत में सब मिलकर मार के ये तृतीय दुशासन, और दुशासन करेगा इसकी रक्षा, जो बाहर का है मेन होता है दुशासन। वैसे जो लोगों के साथ भीम रहते हैं उनको तो वहां पर जयद्रथ रोक देता है, क्योंकि सिर्फ अभिमन्यु ही अंदर घुस पाता है चक्रव्यूह के अंदर, और अगर अदर पांडव भी अगर अंदर घुस जाते तो शायद चक्रव्यूह का भेदन हो जाता पूरा, लेकिन चक्रव्यूह ने यहाँ पर एक बलि मांगी वो भी वीर अभिमन्यु के रूप में। ये फिर से यहाँ पर आ गए और ये चतुर्द्वार पे कर्ण, क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ तक जब सात द्वार टूटेगा तो सातवें द्वार पे से मिलेगा दुर्योधन जो कौरव नरेश आता है। जहाँ तक जा रही है मेरा निवेदन, फिर ये कर्ण का द्वार है, कर्ण के द्वार के बाद फिर से आएंगे युवक हैं, उनसे कहेगा कि कृपया आप जो है जहाँ पर भी ये चक्रव्यूह बना हुआ है वहाँ पर आप पहुँच जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां लास्ट घेरा होगा यहाँ पर इस घेरे का, और यहाँ अभी बहुत होगा मेन कर्ण के बाद वो होंगे लक्ष्मण सल्ले के बाद। ये यहाँ पर दो महारथी रहते हैं, ये दोनों इसकी वो करेंगे निगरानी, ताकि वो आपको काम बताएं क्या है। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है मेरे सबसे निवेदन ये पाते हैं सत्संग, बहुत कम लोग अभी गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य, अश्वत्थामा अश्वत्थामा जो युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन जब पूछे जाने पर तो उन्होंने बोला था कि अश्वत्थामा हतो हता, और ये लास्ट द्वार आता है दुर्योधन, जहाँ दुर्योधन नरेश और शकुनी रहेंगे। तो ये है यहाँ तक पहुँचने का पूरा सफर, और यहाँ पर होगा पूरा युद्ध, सातों में लड़ेगा पूरा, वो कर देंगे हम अभिमन्यु को मार देते हैं। यहाँ पर माइक टेस्टिंग हो रही है, और ऊपर लगे हैं हेलो दुकानें, यहाँ से बाहर निकलना भी वैसी है, उसे बाहर हम उठ सकते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, हेलो माइक चेक, जल्दी जल्दी निकलेंगे, 1 2 3 चेक चेक, क्योंकि देख घेरे अंदर अंदर पता नहीं चल पाता है कि द्वार कहाँ से, इसलिए अभी मैंने यहाँ फंस गया था। ये फिर से ये आपका सिस्टम द्वार, मतलब काफी करीब होने के बाद भी वहां से नहीं दुर्योधन के पास नहीं पहुंच पाता, फिर से बाहर आना पड़ता है एक राउंड। देखो ये वाला राउंड कितना नजदीक है, लेकिन ये एकदम से अंदर नहीं जाता दुर्योधन के पास, यहां से भी घूमना पड़ता है। ये जो धोतिया लगा रखी है इसमें यहां पर असली महाभारत में सेना रहती थी, द्रोणाचार्य इसको सिर्फ अर्जुन ही तोड़ना जानता था। बाकी पांडवों में कोई इसको तोड़ नहीं पाता था। सो दिस इज बहुत फेरे हैं, मतलब काफी टाइम लगता है असली में जो चक्रव्यूह बनाने में भी, इसलिए मतलब सिर्फ गोला नहीं होते हैं ये, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो चक्रव्यूह बनाना सिर्फ इसलिए द्रोणाचार्य ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। कभी अंदर के सर्कल में एकदम से बाहर, फिर बाहर से कभी सेकंड थर्ड, मतलब फिक्स नहीं है कि एक राउंड ऐसा होगा वैसा होगा। देखो अभी घूम ही रहा हूँ अंदर से, बाहर निकलना थोड़ा भी मुश्किल हो चुका है मेरे को, चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ मैं।
अगर सीधे रास्ते रास्ते चलते रहो तो शायद आराम से निकल जाओगे, पर टाइम लगेगा। जैसा लगता है कि एकदम से निकल जाएंगे, पर एकदम से नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे घेरे हैं। अभी देखो फिर से मैं कितनी बार द्वार पे आ पहुँच चुका हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। फिर से एक और राउंड, शायद ये लास्ट राउंड होगा। अब यहाँ अंदर होगा द्वंद्व, मतलब सात महारे के साथ अभिमन्यु अकेला लड़ेगा और इन्हीं के बीच हमें युद्ध भी करना है क्योंकि हम भी पात्र हैं इन चक्रव्यूह के। तो ये आ गया यहाँ से बाहर। पूरा चक्रव्यूह जो है वो ये है, ये दुर्योधन के छत्र। काफी अच्छा सजा रखा है वैसे। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ इसका पूरा व्यू। किरोड़ा गांव, मतलब 10 साल बाद हुआ है ये प्रोग्राम। यहाँ पर गांव वालों ने पंचायत बैठाई और फिर उसके लिए सब ने हामी भरी थी, इसलिए ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पर। ये है चक्रव्यूह। हाँ जुटा देना।